बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम बीए तृतीय सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में जानेंगे, संस्कृत विषय वस्तु की, यानी संस्कृत में हमको क्या क्या पढ़ना है बीए थर्ड सेमेस्टर में। तो अब आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, अब थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, अर्थात क्या सिलेबस है आपका, क्या पाठ्यक्रम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया हुआ है, लगभग कॉमन जो है सिलेबस है सभी विश्वविद्यालयों के लिए, सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस फॉलो होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा तृतीय सेमेस्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोग्राम या क्लास की बात की जाए तो यहाँ पर डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा होगा अगर आप ये सब कर लेंगे तो। उसके बाद में बात किया ईयर, तो ये द्वितीय ईयर है यानी कि सेकंड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, और तृतीय सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर अब आपका कंप्लीट हो चुका है लगभग, अब आप तृतीय सेमेस्टर यानी कि द्वितीय वर्ष में आ चुके हैं। विषय है संस्कृत, प्रश्न पत्र कोड आपको यहाँ पर दिया गया है, इससे कोई मतलब वैसे होता नहीं है, प्रश्न पत्र का शीर्षक आपका मैटर करता है, संस्कृत नाटक एवं व्याकरण। हमको क्या पढ़ना, संस्कृत के जो नाटक है कुछ उसके उसको आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है, और कुछ व्याकरण के जो ग्रंथ हैं यानी कि व्याकरण के जो नियम हैं उन नियमों को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हमको किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ना है, और आखिरकार इस सिलेबस में ये चीज़ें क्यों संकलित की गई हैं, इसका भी यहाँ पर देखिए अधिगम उपलब्धि, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी उपलब्धि क्या हो सकती है इसको पढ़ने के बाद में छात्रों के लिए। सबसे पहले संस्कृत नाट्य साहित्य को समान रूप से समझ सकने में सक्षम हो सकेंगे विद्यार्थीजन। इसके अलावा नाटक की परिभाषिक शब्दावली से सुपरिचित हो सकेंगे। इसके अलावा नाटक में प्रयुक्त जो रस होता है, छंद होता है, अलंकार होता है, इन सभी रस छंद अलंकारों से सम्यक तरीके से उसको जान सकेंगे, यानी उसका बोध हो सकेगा उनको, यानी कि उसको समझ सकेंगे रस छंद अलंकार नाटक में कौन कौन से प्रयोग हुए हैं। इसके अलावा संवाद शैली और अभिनय कौशल, इसमें भी छात्र छात्राएँ पारंगत होंगे, इसलिए इसको सिलेबस में रखा गया। इसके अलावा नवीन पदों के ज्ञान के द्वारा उनके शब्दकोश में वृद्धि होगी, इसलिए सिलेबस में इसको रखा गया। इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक तथ्यों एवं मूल्यों को आत्मसात कर भारतीयता के गर्व बोध से युक्त उत्तम नागरिक बन सकेंगे, इसलिए इसको पाठ्यक्रम में रखा गया। तो अब तार्किक विश्लेषण या तार्किक सिलेबस अब आपके पाठ्यक्रम में रखा जाने लगा है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे है कि व्याकरण परक शब्दों की सिद्धि प्रक्रिया से परिचित हो सकेंगे छात्र छात्राएँ। इसके अलावा व्याकरण शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से शुद्ध वाक्य विन्यास कौशल का विकास हो सकेगा। ये तमाम सारे उद्देश्य को ध्यान में रख करके आपका पाठ्यक्रम बनाया गया है। आपको यहाँ पर जो क्रेडिट है इस विषय वस्तु की 6 है, और कोर कंपलसरी आप ये पेपर है यानी कि, और मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात की जाए अगर तो लगभग और लगभग आपको जो है 33% आपको लाना पड़ेगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 मतलब कि अधिकतम अंक यानी पूर्णांक जो है 25+75 यानी 100 नंबर का होगा, 25 नंबर का आपका जो पहले जो है जो मिड टर्म परीक्षा और जो आपका चाल चलन या प्रैक्टिकल वगैरह को मिला करके दिया जाता है। आगे देखते हैं यूनिट यानी इकाई की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिखेगी यानी यूनिट 1-2 इस प्रकार से। टॉपिक्स यानी विषय की बात की है तो यहाँ पर आपको कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने ये दिखेंगे। ये व्याख्यान संख्या है, कितने कितने क्लास हो सकती हैं इसकी, तो देखिएगा प्रथम भाग यानी आप देखेंगे संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रथम भाग यानी 4 शुरुआती 4 इकाइयों को जो है पार्ट 1, यानी हो सकता है कि अगर 2 पेपर हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके जो है आपको पेपर 1 पेपर 2 दे सकता है, और नहीं तो अभी तो लगभग जो है अधिकतर विश्वविद्यालयों में दोनों पेपर को समाहित करके मतलब दोनों पार्टों को एक ही पेपर में पूछा जा रहा है। लेकिन अगर पूछ ले 2 पेपर भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जिस यूनिवर्सिटी में 2 पेपर पूछे जा रहे हैं उनमें 2 पेपर, पार्ट 1 पहला पेपर, पार्ट 2 दूसरा पेपर। आइए देखते हैं तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में हमको नाट्य साहित्य परंपरा और प्रमुख नाटककार जो हैं संस्कृत के उनके बारे में जानना है। तो नाट्य साहित्य की परंपरा, शुरुआत, उसका विकास क्रम, इन सभी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे जब मैं पढ़ाऊँगा। प्रमुख नाटककार रहे जैसे कि जो है महाकवि, जैसे कि जो है भास जी हो गए, इसके अलावा अश्वघोष, भवभूति, भट्ट नारायण और विशाखदत्त। ये मुख्य रूप से भास, अश्वघोष, भवभूति, भट्ट नारायण और विशाखदत्त, ये 5 जो हैं नाटककार आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो इनके बारे में हमको जानना है, और इससे पहले हमको नाट्य साहित्य परंपरा के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में हमको चर्चा करें। नाट्य साहित्य परंपरा में कौन कौन से नाटककार आते हैं और विकास यात्रा किस प्रकार से इसकी रही है। लगभग 12 क्लासेस इसकी हो सकती हैं। इसके अलावा
यूनिट अगर टू की हम बात की जाए तो अभिज्ञान शकुंतलम एक अंक से लेकर के दो अंक, यानी पूरा एक से लेकर के दो अंक आपको अभिज्ञान शकुंतलम का पढ़ना है, कालिदास का है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। 11 लेक्चर्स लगभग इसके हो सकते हैं और 11 लेक्चर्स ही इकाई तीन के, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम का तीन से जो चौथा अंक है, तीन और चार, इन दोनों अंकों को हमको 11 लेक्चर्स के माध्यम समझने को मिलेगा, यानी हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अभिज्ञान शकुंतलम का लगभग एक से लेकर के दो और दो तीन से चार, मतलब कि एक से लेकर के चार अंक, यानी पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और चौथा अंक, ये सब पढ़ना है। इसके बाद में आप आगे देखते हैं चौथी इकाई है, चौथी इकाई है स्वप्नवास वदत्तम, इसका प्रथम अंक हमको पढ़ना, लगभग 11 लेक्चर्स इसके भी हो सकते हैं, ओके। इसके अलावा अब इकाई चार आपकी समाप्त हो गई, चार इकाई आपने पढ़ लिया, अब पांचवी इकाई में हम देखते हैं। और जैसे ही अगली पांचवी इकाई आएगी तो आपको मैंने बताया था कि द्वितीय भाग, यानी कि द्वितीय भाग मतलब क्या, यानी कि पार्ट टू, यानी पेपर टू भी बन सकता है अगर बनाने की इच्छा होगी यूनिवर्सिटीज़ वालों की तो हो सकता है, ठीक। तो पांचवी इकाई में हमको क्या पढ़ना है, रूप सिद्धि का सामान्य परिचय पढ़ना है, अजंत प्रकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी, यानी सब व्याकरण ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हमको व्याकरणिक जानकारी मिलेगी। तो जो शुरुआती आपकी चार इकाई हैं उनमें आपको जो है नाटक परंपरा पढ़नी पड़ेगी, नाटक के बारे में, ठीक। और जो आपका जो द्वितीय भाग होगा, पार्ट टू होगा, उसमें आपको व्याकरण के बारे में, जिस प्रकार से आपने पहले जो है उसके गद्य साहित्य संस्कृत, मतलब कि संस्कृत गद्य साहित्य के बारे में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, उसके बाद में कंप्यूटर एवं संगणक प्रयोग सेकंड पार्ट में, उसी प्रकार से इसमें भी। तो यहाँ पर देखेंगे पुलिंग, राम, सर्व, हरि, सखी, सूत्र, व्याख्या, इन सभी की देखनी है, और शब्द रूप सिद्धि भी जो है इनको चर्चा करें, लगभग 12 लेक्चर्स इसके भी हो सकते हैं। वहीं अगला जो आपका इकाई आएगी छठवीं इकाई, उसमें क्या क्या संकलित देख लेते थोड़ा सा, अजंत प्रकरण संकलित है, आगे देखते हैं अजंत प्रकरण जो है, लघु सिद्धांत कौमुदी, तो ये भी एक प्रकार से व्याकरण व्याकरणिक ग्रंथ ही है, और उसके अंतर्गत हमको अजंत प्रकरण, इसके अलावा स्त्रीलिंग में जो है रमा, सर्वामती, नपुंसक लिंग, ज्ञानवारी, सूत्र, इन सभी की व्याख्या और शब्द रूप सिद्धि, इन सभी के बारे में जानना, लगभग 11 लेक्चर्स इसके भी हो सकते हैं। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इकाई सात के बारे में, इकाई सात में हलंत प्रकरण हमको समझना है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत ही। इसके अलावा पुलिंग में इदम, राजन, तद, अस्मद, युष्मद और इन सभी की सूत्र व्याख्या देखनी है और शब्द रूप सिद्धि देखनी है, ठीक। इसके भी 11 लेक्चर्स हो सकते हैं मिनिमम। और इसके अलावा आप देख सकते हैं लास्ट इकाई यानी चौथी इकाई हलंत प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत ही, स्त्रीलिंग में किम, अप, इदम, नपुंसक लिंग, इदम या अहन, इनकी सूत्र व्याख्या और शब्द रूप सिद्धि जानना है। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस संस्कृत साहित्य का था जो कि मैंने आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया। आप लोगों ने देखा कुछ यहाँ पर जो है संस्कृत ग्रंथ है जिसके माध्यम से आपकी पुस्तक बनाई जाएगी, आप देख सकते हैं ये तमाम पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने के बाद में आप जो है इस बहुत विधिवत तरीके से पढ़ना है। बाकी तो एक पुस्तक विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स होते हैं उन्होंने लिखी है कॉमन सिलेबस के अंतर्गत, तो जो पुस्तक होगी मैंने सजेस्ट करी है ऑलरेडी, आप लोग देख लीजिएगा उस लेक्चर को। ये कुछ जो है संस्कृत ग्रंथ हैं यानी जिनके माध्यम से, इन सभी ग्रंथों के माध्यम से जो जानकारी है उसको आपकी पुस्तक में समाहित किया गया है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के लिए उपलब्ध, और चतुर्थ सेमेस्टर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया आपका सिलेबस लगभग समाप्त ही हो गया। तो इस प्रकार से संस्कृत साहित्य का आपका सिलेबस था, आप लोगों ने देखा। अब हम चर्चा करेंगे आगे और भी सिलेबस के बारे में, लगभग सभी विश्वविद्यालय के लिए यह सिलेबस महत्वपूर्ण है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये संस्कृत का सिलेबस, ठीक है। इकोनॉमिक्स का इसके बाद में जस्ट आपका आ जाएगा, तो उसको भी आप सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।